ਸਰਸਾਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕਾਬਿਆ ਹੋਮੋਕਲਿਨਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਰਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਿਤਾ ਜੀ ਕਾਬਿਆ ਹੋਮੋ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇ ਉਹ ਕਿ ਮੀਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ so much ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੇ ਐਸਐਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤਨਿੱਕੀ ਸਤਿ ਸ਼ਕਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ प्लीज़ एक्सप्लेन करना क्यों कोई कह देंद्दा य चीज़ चंकी हैगी है कि या फैट चंगा है कोई कह देंदा नहीं है, ए ए दे नाल दे नाल, है ये बीमारी है एदे सारा नाल दाल कोलैसट्रोल वाई भी ये वे की ठीक है या गलत है ये बारे सारा जरूर दसना प्लीज़ जी बिल्कुल अवतार जी सो कई बार हम सुनते हैं ये प्रोटीन है ये फैट है जो पेशेंट्स आते हैं वो भी कहते हैं कि फैट क्यों होती है क्यों दी है फैट राइट सो आम तौर पे फैट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैट करके हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है पहली बात काफ़ी सारे इसके फंक्शंस हैं उसमें से कुछ देखें तो हमारी बॉडी में जो फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स होते हैं तो वो वाइटमिन्स बनाने में भी फ़ैट की हेल्प मिल जाती है फैट जो है हमारे ऑर्गन्स के सराउंडिंग उसको प्रोटेक्ट करती है एंड फिर कोई भी जैसे झटका लगा कुछ भी है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कुछ पुश हुआ तो ये सारे से हमारे ऑर्गन्स को जो है फ़ैट प्रोटेक्शन देती है और हमारी बॉडी को ये वॉर्म रखती है कि बॉडी को जो हीट चाहिए वो हीट जो है ये फैट प्रोवाइड करती है सो फैट के काफ़ी सारे देखें तो फंक्शंस है इसलिए फ़ैट जो है वो ज़रूरी है लेकिन कोई भी चीज़ जब एक्सेस में जाती है तो वही चीज़ फिर नुकसान करती है उसी तरह फैट भी जब ज़्यादा हो जाती है बॉडी में तो फिर ट्रबल हो जाता है अब बॉडी को जितनी फ़ैट चाहिए यूजली वो बॉडी हमारा बना लेता है उसके ऊपर से जो हम खाते हैं स्पेशली जो एसेंशियल फ़ैट्स जिसको कहते हैं एसेंशियल लिपिड्स जिसको कहते हैं तो वो हमें अच्छे वाली जो फ़ैट है वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है हमारे खाने के थ्रू लेनी पड़ती है तो अच्छी वाली फ़ैट हमें किस चीज़ से मिलेगी एवोकाडो आप खाते हो आप वॉलनट्स खाते हो नट्स खाते हैं सीड्स खाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है फ़िश ऑयल वग़ैरह है तो ये आपको अच्छी वाली गुड फैट जिसको कहते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए उसके फंक्शंस के लिए ज़रूरी है आ फैट हमें देते हैं ये सारी चीज़ें जो डाइटरी सप्लाई से हमें मिलती हैं तो कुछ एक जो बैड वाली फ़ैट होती है जिसको हम ट्रांस एंड सैचूरेटेड फ़ैट कहते हैं तो वो फैट क्या है जो आपको नुकसान करेगी बॉडी में हार्म करेगी जब आप एक लेवल से ऊपर एक्सेस में इसको लेते हैं तो ऐसे में जैसे ऑयल वाली चीज़ें फ्राइड चीज़ें कि कुछ भी नहीं है आपने समोसे खा लिए पकोड़े खा लिए यू नो जो ऑयल हम यूज़ करते हैं रिफाइंड ऑयल सारा प्रोसेस्ड खाना जा रहा है बेकरी आइटम्स जा रहे हैं कि चाय पीनी है तो नाल कुकी तक तो खानी ही खानी है तो जितनी भी बेकरी आइटम्स आप खा रहे हो उसमें से ये फैट जा रही है मार्जरीन जो हम लेते हैं सबसे ज़्यादा वो आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ाएगा वो भी बैड फैट वाली चीज़ हो गई कैसी फ़ैट लेनी चाहिए कैसी फ़ैट नहीं लेनी चाहिए तो वो भी हम आगे जाके बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें कि आप कह लें डेरी प्रोडक्ट्स हैं एक्सेस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ भी ये बैड वाली फ़ैट जो है ट्रांस या सेचूरेटेड फैट तो वो बॉडी में जाएगी अब ये जब बॉडी में जाएगी तो उसके साथ फिर आगे जाके जब ये जमा होने लगती है प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं अब फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तीन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके फिर हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू आउट द ब्लड सो so, ये जो आ, फैट का अमाउंट है जैसे ही हाई जाने लगेगा काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी आपके हेल्थ में जैसे कि सबसे पहले हमें पता है कि फ़ैट डिपॉजिट होना कि आपको ओबेसिटी की मोटापन आना शुरू हो जाता है आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा टमी के अराउंड जो है बाजुओं में आपकी फ़ैट थाइज में आपके फैट भर जाती है तो ये जो है फैट एक्सेस फैट जब जमा होने लगती है तो फिर ये जो है टॉक्सिन का काम करना शुरू करती है इसके साथ काफी सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि कोलेस्ट्रोल आपका हाई जाना अब कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत अच्छी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए लेकिन जब ये एक्सेस में चला जाता है तो तब ये आपको नुकसान करती है ये फैट और ये कोलेस्ट्रॉल जो है फिर आर्टरी में जाके ब्लड वेसल्स में जाके जमा होगा उस पार्ट का ब्लड सप्लाई कम होने से फिर हार्ट डिजीज होने का ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है अब नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम हम देखते हैं कि एच कोलेस्ट्रॉल में हम देखते हैं तो एच जो है उसको हम गुड कोले कोलेस्ट्रॉल कहते हैं तो वो आप किस तरह बढ़ा सकते हैं आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ताकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर की ओर ले आए तो एवोकाडो जो है वॉलनट्स हैं सीड्स हैं सारे नट्स हैं तो उस करके आपका एच लेवल आप ओमेगा थ्री सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर आपकी हेल्थ परमिट कर रही है तो ये सारी चीज़ें गुड वाला कोलेस्ट्रोल जो है वो बढ़ाएगी अच्छी वाली फैट जो है वो बढ़ाएगी तो एल एल जिसको बैड कोलेस्ट्रोल कहा जाता है क्योंकि यही वो कोलेस्ट्रोल है जो आर्ट्रीज में ब्लड वेसल्स में जमा होता है और आगे जाके जो है फिर डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है एंड देन ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो हमारे खाने में कितनी फैट जा रही है खाने के थ्रू तो ये सारी चीजें जैसे आप मार्जरीन खा रहे हो डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो कुछ एक पेशेंट्स हैं कि दिन के चार छः अंडे वो एग्स ले लेते हैं जबी भी आप एग्स लेते हैं एक एग या दो एग योक जो येलो पोर्शन है वो डालें बाकी का जो है ओनली वाइट पोर्शन ही एग का डालें सो so, ये कुछ टेक केयर करने के साथ बेकरी आइटम्स जहां पे जरूरत नहीं है खाना नहीं है तो उस करके आप जो बेड वाला फैट है उसका लेवल कंट्रोल में कर पाएंगे जो आगे जाके आपको ट्रबल दे सकता है तो यहाँ पे आपके रिपोर्ट्स वगैरह देख के पता चलेगा कि कौन से वाली फैट जो है वो बढ़ा रही है आपका कोलेस्ट्रोल तो उस हिसाब से आपकी डाइट में चेंजेस एंड ट्रीटमेंट जो है वो हम आपको सजेस्ट करते हैं हाँ जी तो ये तो बात हो गई कोलेस्ट्रोल की हाँ जी एक आ, फैटी लिवर के बारे में बताइए हाँ जी हाँ उसमें जो लीवर में जमा हो जाता है ना हाँ तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें हाँ जी बिल्कुल बताएंगे सो so, यहाँ पे एक तो ये जो कोलेस्ट्रोल है तो उसके बाद काफ़ी सारे ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट आता है फैटी लीवर जो आम तौर हम सुनते हैं कि छोटे बच्चों में हो गया बड़ों को हुआ लेडीज़ में भी ये होता है सो so, फैटी लीवर के साथ कई बार हम जुड़ देते हैं अल्कोहल को कि शराब तो जो है वो उसका मेन कॉज है हाँ ये बात सच है कि शराब के साथ होता है लेकिन इसके अलावा भी छोटे बच्चों को लेडीज़ को सभी को ये होता है और उसका कारण है कि जब लीवर में एक्सेस फैट उसके सेल्स में जमा होने लगती है तो उस करके जो है फैटी लीवर होता है जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहा जाता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन में जो है ये काफ़ी स्पीडी रेट से बढ़ भी रहा है सो so, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक्सेस फैट आपके लीवर के सेल में जमा हुई है तो उस करके हर एक सेल की साइज़ बढ़ जाएगी सो so, ओवरऑल देखें कि लीवर की जो साइज़ है वो बढ़ने लगती है लीवर की साइज बढ़ जाएगी उस करके जहाँ पे लीवर है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में राइट साइड पे आपके लीवर होता है उस जगह पे आपको डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा कुछ भी आप हेवी खाते हैं फ्राइड खा लिया फैट वाला कुछ खा लिया तो लीवर जो है वो कंप्लेन करना शुरू कर देगा आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट पेन होना शुरू हो जाएगा सो so, लीवर से बात खत्म नहीं हुई तो कई बार ये जो कोलेस्ट्रोल की डिपोजिट इकट्ठी होती है वो आपके गोल ब्लेडर में पिते में जाके पथरी बनाती है स्लज बनाती है सो so, जब आप एक्सेस फैटी फूड खाते हो कि वो वाला ही खाना खाना है दाल में सब्जी में सारे में उसका तड़का डालना है पराठे भी जो है शेक शेक के शक्कर दाल डाल के खाने हैं तो ऐसे में जब आपका कोलेस्ट्रोल हाई जाएगा फ़ैट का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा बॉडी में फिर ये आपके गोल ब्लेडर में आगे जाके पथरी बनाएगा सो so, गोल ब्लेडर स्टोन जिसको कहते हैं इसकी स्टार्टिंग होती है स्लज के साथ कि छोटा सा कोलेस्ट्रोल की पहले डिपोजिट जो है वहाँ पे इकट्ठी हुई और उसमें से फिर हार्डन होता गया वो पार्ट और उसमें से पथरी बन जाती है अब जब ये स्लज के फॉर्म में है तब तक आप उसको ट्रीट मैनेज डिजोल्व भी कर सकते हैं कि ये गाढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल का एक हिस्सा है कि गाढ़ा बन गया है वो अंदर पित्ते में पड़े पड़े वहाँ रह के तो ये जो है अगर वहाँ पे स्लज बना आपको क्या होगा कि जैसे भी आप कुछ हेवी खाते हो क्योंकि गोल ब्लेडर यानी कि पित्ता जो है वो बाइल रिलीज करता है फूड के डाइजेशन के लिए अब जब यहाँ पे स्लज बन गया पथरी बन गई तो वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाएगा जिस करके थोड़ा सा भी आप हेवी खाया नॉन वेजिटेरियन खाना खाया तो ऐसे में आपको पेन होना शुरू हो जाएगा और ये जो दर्द है आपको राइट साइड ऑफ एबडोमन से लेके लेफ्ट साइड में जाएगा आपका आपकी शोल्डर ब्लेड में जाएगा पीछे जाएगा सो कहीं इसको रेडिएटिंग पेन कहते हैं सो ये थोड़ा जैसे सही हुआ नहीं हुआ कुछ भी हेवी खाया उसके साथ ये पेन वापस आ गया स्टार्टिंग में इनिशियली जब ये खाते हैं उसके साथ होगा उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर आप देखेंगे कि लगातार ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ये पेन इस तरह चल रही है होती रहती है सो so, पित्त में पथरी हुई उस करके भी ये प्रॉब्लम आएगी कि कोलेस्ट्रोल की डिपोजिट वहाँ पे जाके भी इकट्ठी हो जाएगी और फिर आगे जाके टाइप टू डायबिटीज़ जिसको हम नॉर्मली एज के हिसाब से जो डायबिटीज़ होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस करके तो ये कंडीशन जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी सो so, एक फैट करके आप देखें कि आपको मोटापन हो सकता है आपका कोलेस्ट्रोल हाई जा सकता है फैट अगर ज़्यादा है फैटी लीवर की प्रॉब्लम गोल ब्लेडर में पथरी तक बन सकती है चेहरे पे एकनी आ जाना कि ग्रीजी ऑयली फ़ूड कुछ भी खाते हैं तो उसके साथ चेहरे पे यंग uh, गर्ल्स के बॉयज़ के आप देखेंगे कि चेहरे पे जो है वो पिंपल्स आ जाते हैं एक्नी निकल आती है वो भी फैट करके कई बार ट्रिगर हो जाता है लेडीज़ में जिनको फैट डिपोज़िट खास करके टमी एरिया के बैली एरिया के अराउंड ज़्यादा है फैट डिपोज़िट लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गई जो अक्सर मेनोपोज के टाइम पाई जाती है तो उसके साथ क्या होगा कि यूट्रस में अंदर फाइब्रॉइड्स डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी जिसको हम रसोली कहते हैं तो यूट्रस में अंदर फाइब्रॉइड होना और इंटरनल कंडीशंस डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी ब्रेस्ट टिश्यू में इस तरह गिल्टियाँ हो जाती हैं जिसको फैटिसिस्ट कई बार कह देते हैं कि फैट वाली गिल्टियाँ हो गई हैं बॉडी में ब्रेस्ट में तो ये कंडीशन डेवलप होगी सो इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे जाके जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है जिस करके यंग गर्ल्स में पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है ओवरीज hmm. में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं जिस करके ओवरी अपना काम जो है एग रिलीज करना एवरी मंथ वो प्रॉपरली नहीं कर पाती है और पीरियड्स भी लेट आना शुरू हो जाता है कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं लेट हो जाते हैं वेट गेन और होता जाता है चेहरे पे हेयर ग्रोथ के बाल ग्रो कर जाते हैं बियर्ड पे चेहरे पे फेशियल हेयर ग्रोथ एक्नी का ब्रेकआउट हो जाता है ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस करके पी डेवलप होगा उसके साथ पाई जाती है डायबिटीज़ टू डेवलप होने टाइप टू डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ भी जो हैं ये बढ़ जाती हैं ओबेसिटी करके फैट ज़्यादा करके स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम तो वैसे भी उसका डेंजर रहता है तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सेस ऑफ फैट करके बॉडी में हो सकती है अब ऐसे में जो हमारा ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करने से क्या होगा पहले तो स्पेसिफिक अगर किस एरिया का अफेक्शन है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई जा रहा है क्या ये आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो रहा है फैटी लीवर की प्रॉब्लम आई है या गोल ब्लेडर में पथरी बनी है या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है स्लीप एप्निया है या लेडीज़ हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस हिसाब से ये हमारा ट्रीटमेंट दिया जाता है और आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट है सो so ये मेडिसिन जो है फैट को लिक्विफाई करके बॉडी से एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करती है और इन सारी चीज़ों के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना तो अपनी डाइट वॉच करना जो है बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि थर्टी टू फोर्टी मिनट्स ऑफ रेगुलर के आप ब्रिस्क वॉक ले लें कि साइकिलिंग करो स्विमिंग करो किस किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो है वो डेली बेस पे आपको करनी है एंड इसके साथ जो इंटरमीडियंट फास्टिंग है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं उससे भी काफी बेनिफिट हो सकता है और साथ में ये ट्रीटमेंट लेंगे तो ये सारी कंडीशन पे जो है आप कंट्रोल पाया जा सकता है सो इस तरह के कोई भी कंसर्न वास्ते काव्या होम्योके से आप हमारा कांटेक्ट जरूर करें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आपने बताई हैं मैं तो ज़रूर कहूँगी क्योंकि ये बीमारी तो काफ़ी है मोटापे हाँ की बीमारी तो यहाँ बहुत ही है और ये ज़रूर अगर आप उसका इस तरह इलाज इतनी अच्छी तरह करती हैं तो मेरे तो ख्याल से आपको बहुत ही इस बारे में कॉल आएंगे <laughs> क्योंकि इन बहुत लोगों को ये परेशानी होती है क्योंकि जिस खाने के हम लोग आदि होते हैं वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम लोग सब घरों में रोटी बनती है और इसी को बोलते हैं जी ये नहीं खानी चाहिए कितने कितने दिन नहीं खानी जब आप छोड़ देते हो तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है जब आप खाना फिर शुरू कर देते हो फिर वो वापस आ जाता है तो इन हमारा क्योंकि इंडस का जो खाना है वो आपको पता ही है कि वो बिना तले या कोई चीज़ उनकी बनती नहीं है कोई घर में फंक्शन है तो करना है नहीं तो ज़रा सी बारिश पड़ गई तो उनके पकौड़े बनने शुरू हो जाते हाँ हैं खीर पूड़े शुरू हो जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं आपने जो बताया तो अगर ए, आपकी सुन के कंट्रोल हो सके तो बड़ी अच्छी बात है और थोड़ा थोड़ा सभी को उस हिसाब से एक्सरसाइज जब बताते हैं उन लोगों के भी वैसे आदि है नहीं हाँ जी। क्योंकि इंडिया में तो ये है कि चलना फिरना घरों में ही बहुत हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि कोई हेल्प नहीं यहाँ इतनी होती हेल्प नहीं है हाँ। काम पे जाना है थक के आए हैं है। सारा कुछ है लेकिन फिर हेल्थ भी तो अपनी है, हाँ, अपनी है।, so है तो आपके यहाँ पे पेशेंट के उनके हिसाब से उनके स्केड्यूल के हिसाब से क्या वो कर पाते हैं वो सारा हम उनको गाइड करते हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से आप सभी को काव्य होमो क्लिनिक पर फोन करके सेम अपॉइंटमेंट बनाए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं और इनके साथ डिस्कस कर लें और उसके बाद में ये आपको सारा बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या करना है तो आप ज़रूर इनको फ़ोन कर लें फिर से मैं इनका नंबर बता देती हूँ सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स ज़ीरो टू सेवन सेवन नाइन दूसरा नंबर है फोर वन सिक्स सिक्स थ्री नाइन वन फोर फाइव काव्या होम केयर मीता जी से आप बात करेंगी आप फ़ोन कर लें तो उनसे तो उनका नाम मीता जी है तो आप ज़रूर उनको फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं और ज़रूर अपने जो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उनसे बात करके सॉल्व करें थैंक यू okay. जी थैंक यू जी सत